स्टूडेंट्स, आज आप सबको ऑक्यूपेशन असेसमेंट डे है और तुम सबको ऐसे 5 अलग अलग ऑक्यूपेशन ट्राई करने को मिलेंगे और जिस ऑक्यूपेशन में तुमने अपना बेस्ट परफॉर्म किया तुम अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को करोगे। आई रियली होप कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। मुझे भी। मैंने तो सुना है कि अगर हमने किसी भी राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि हमें कभी कोई जॉब मिले ही ना। सच में? ओके स्टूडेंट्स, तो अब तुम लोगों को तुम्हारी फर्स्ट जॉब मिलने वाली है। वो एक सर्जन? ओ हेलो, चलो यहाँ आओ। मैं? हाँ तुम एक सर्जन हो ना? मेरा मतलब है हाँ, पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो बस तुम्हारा नेचुरल एबिलिटीज का टेस्ट है। तो ये रही तुम्हारी फर्स्ट पेशेंट। ओ माय गॉड, क्या इसका पैर ऐसा दिखना जरूरी है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसको सर्जरी की जरूरत है। तो तुम लोगों ने सुना ना सर्जन ने क्या कहा, इसकी सर्जरी की तैयारी करो। डॉक, तुम कहाँ जा रही हो? अपने दूसरे पेशेंट्स को चेक करने? नहीं, तुमने कहा कि उस लड़की को सर्जरी की जरूरत है और तुम ही सर्जन हो। ये मुझे बहुत अनसेफ लग रहा है। तो डॉक, ये तुम्हारा लास्ट सच है, कम ऑन। मैंने ये कर दिखाया, मैं तो नेचुरल सर्जन निकली। डॉक, क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुमने उसके पैर को उल्टा सिल दिया है। ओ, अब हमें इसे वापस काटना होगा। वेलकम बैक मिंकी। पर मैम, मैंने अभी अपना काम खत्म नहीं किया था, मुझे वापस जाकर उसके पैर को ठीक करना होगा। वेल, अब वो काम कोई और करेगा क्योंकि राउंड 1 ओवर हो चुका है। तो मैंने कैसा परफॉर्म किया? चलो तुम्हारा स्कोर देखते हैं। 1 out of 10। लगता है मैं एक सर्जन तो कभी नहीं बनने वाली। हाँ बिल्कुल नहीं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने नेक्स्ट ऑक्यूपेशन में बेटर परफॉर्म करो। तो मेरा नेक्स्ट ऑक्यूपेशन क्या है? वो तुम्हें बस पता चलने ही वाला है। हाँ, एक हेयर ड्रेसर, फाइनली एक ऐसा काम जो मैं अच्छे से कर पाऊंगी। तो आपको अपने हेयर की लेंथ कितनी कटवानी है? शायद 2 inches। ओके मिंकी, प्लीज मुझे वो दे देना। हाँ। ये क्या था? कह दो कि ये मेरे बाल नहीं है। क्या तुमने कभी विक के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी जेल के बारे में सोचा है? मुझे पता है कि मैंने अपने फर्स्ट लाइन के साथ गड़बड़ कर दी, पर प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। ठीक है, तुम जाकर उस तीसरी लड़की का ट्रीटमेंट कर सकती हो। थैंक यू। तो मैंने सुना कि आपको अपने बाल ब्लॉन्ड करवाने हैं। हाँ। तो क्या आपके पास कोई रेफरेंस पिक्चर है? हाँ, ये रही। ओह, काली जेनर हो जाएगा। एंड तड़ा। तो तुम्हें ये कैसा लगा? मैंने कहा था कि मुझे ब्लॉन्ड हेयर चाहिए। मुझे पता है कि थोड़ा सा ज्यादा कलर हो गया, पर ये फेड हो जाएगा। मेरे बाल खराब हो गए। नौटंकी मत करो। हाँ, फिर से 1 out of 10। हाँ, मुझे इस नेक्स्ट ऑक्यूपेशन में बेटर परफॉर्म करना होगा, वरना मुझे कोई जॉब मिलेगी ही नहीं। एक टीचर, कूल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है तुम सब की आज की न्यू सब्स्टिट्यूट टीचर। तुम सब इन्हें वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम सब मुझे ट्रीट करते हो। ओके ओके मैम। ओके क्लास, तो मेरे ख्याल से आज की शुरुआत हमें एक रिडल से करनी चाहिए क्योंकि मेरी टीचर हमेशा यही किया करती थी। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी रेड, व्हाइट और ब्लैक है? तुम। एक ज़ेब्रा जो कि मर चुका है। मैंने इस आंसर के बारे में सोचा नहीं था। तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि इसमें कुछ भी खूनी नहीं है? जैसा कि तुम्हें से कोई भी इस रिडल को गेस नहीं कर पा रहा है, मुझे लगता है कि अब हमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम बताओ, जिसने चश्मा पहन रखा है, 7 multiplied by 7 कितना होता है? 94। करेक्ट। 7 multiplied by 7 94 नहीं होता है। 7 multiplied by 7 94 ही होता है। नहीं, 7 multiplied by 7 49 होता है। ओ सच में? चलो फिर हम इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं, शाल भी। तो बताओ इसका आंसर क्या है? 94। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाओ। हाँ देखो। तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमें गलत गलत पढ़ा रही हो। क्या तुम डिटेंशन जाते हो? नहीं, पर अब तुम जरूर सस्पेंड होने वाली हो। क्या तुम उस बच्ची को मारने वाली थी? नहीं बिल्कुल नहीं। वेल, मुझे नहीं लगता कि टीचिंग तुम्हारे बस की बात है। मुझे तो लगता है कि कुछ भी मेरे बस का नहीं है। क्या होगा अगर मैं अपनी सारी जॉब में फेल हो गई तो? फिर क्या होगा? फिर तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी। फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। मैं तो यही कहूंगी कि अपने दोनों नेक्स्ट ऑक्यूपेशन में अपनी पूरी कोशिश करो। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक साइबर सिक्योरिटी, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जरूर, तुम यहाँ की न्यू साइबर सिक्योरिटी होगी, है ना? हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलो। तुम्हारी जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट नहीं चाहते कि उनकी टॉप सीक्रेट की फोटोज पब्लिक में फिर से लीक हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करो जो कोई गेस कर ही नहीं पाए। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। गुड, हमें तुमसे पूरी उम्मीद है। तो टॉप सीक्रेट्स? हाँ हाँ, टॉप सीक्रेट। क्या वो प्रेसिडेंट की कोई ऐसी वैसी फोटो है? एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि मैं इसके बारे में किसी को, मैंने तो बस पूछा। नहीं तुम पागल हो, टॉप सीक्रेट प्रेसिडेंट का डॉग है। ओह, टॉप सीक्रेट एक डॉग है। तुम्हें प्रेसिडेंट का पासवर्ड इसी वक्त चेंज करना होगा। रिलैक्स, मैंने इसे ऑलरेडी कर दिया है। एंड ट्रस्ट मी, इसे कोई भी गेस नहीं कर सकता। वेल, उन्होंने ऐसा ऑलरेडी कर लिया है। तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने तुम्हारे बनाए हुए पासवर्ड को 37 सेकंड्स के अंदर गेस कर लिया है। ये कितने फास्ट हैं।
तुमने ऐसा क्या पासवर्ड रखा था? वो बहुत हार्ड था। जैसे कि? वो था कि यू कैन नेवर गेस दिस, हा 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 हा। प्लीज ये मत कहना कि ये सारे अपर केस में थे। नहीं, मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया था। लोअर अपर, अपर लोअर, लोअर अपर। यू आर फायर्ड। पता था, हाँ मुझे पता था कि ये होगा। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी एक जॉब बाकी है। और अगर मैं ये भी नहीं कर पाई तो मैं जॉबलेस होने वाली हूँ। प्लीज मुझे कोई ऐसी जॉब देना जिस काम में मैं अच्छी हूँ। एक शेफ, पर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुकिंग नहीं करी है। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। तुम आज रात इस कंट्री के सबसे स्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर के लिए खाना बनाने वाली हो। क्या तुम लोग इन जॉब्स को हमारे लिए थोड़ा इजी नहीं रख सकते? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम लोग इस जॉब के लायक हो भी या नहीं? वेल आई होप मैं इस जॉब में फेल ना हूँ, वरना हाँ ये मेरा लास्ट चांस है एक जॉब के लिए। तो तुम्हें उन फूड इंस्पेक्टर के लिए एक 3 कोर्स का मील बनाना होगा। क्या तुम ये कर पाओगी? आई थिंक सो। गुड। और याद रहे कि डिजर्ट के लिए तुम मूंगफली का यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि इंस्पेक्टर को उससे एलर्जी है। नो पीनट्स। समझ गई। सेकेंड कोर्स रेडी है, इसे लेकर जाओ। शेफ, उन्हें फर्स्ट कोर्स बहुत पसंद आया है। गुड, आई होप उन्हें सेकेंड कोर्स भी उतना ही पसंद आए। तो देख कर तो लगता है कि उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है। वेरी गुड। ओके, अब डिजर्ट टाइम। रुको, इसे वापस लाओ। क्या हुआ? शेफ ने पीनट्स के बारे में कुछ बोला था। हाँ, इसके टॉप पर एक्स्ट्रा पीनट्स रखने हैं। ओके। तो क्या हुआ? वो तुमने ऐसा फेस क्यों बना लिया? वो इंस्पेक्टर को पीनट्स से एलर्जी है। कह दो कि उन्होंने उसे नहीं खाया। मैंने उन्हें मारा नहीं, राइट? हम बस रिपोर्ट्स के आने का वेट कर रहे हैं। हाँ, और अब मैं ऑफिशियली जॉबलेस हो चुकी हूँ। ये तो बुरा हुआ, मेरी लाइफ ओवर हो चुकी है, वो भी तब जब इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। मेरी तुम्हारी कुकिंग की रेटिंग बढ़ रही है। पर कैसे? मैंने तो उस फूड इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट मार दिया था। पता नहीं। हेलो। हाँ। ओके ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। क्या हुआ? बात यह है कि भले ही तुमने उस फूड इंस्पेक्टर को ऑलमोस्ट मार दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो खाना उनकी लाइफ का बेस्ट खाना था। सच में? हाँ, और वो कह रहे थे कि वो तुम्हें अपने होटल में एज अ हेड शेफ रखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें जॉबलेस रहना पड़ेगा।